नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब टू लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये हम चटनी बनाई हुई है, दरदरा है, टेस्टी बहुत बढ़िया है। ये हम बनाई है मूँगफली की चटनी। कहाँ हम घूमने गए, किधर गाँव में जाते तो हमें ट्रेन में खाने को प्रॉब्लम होती है यार, हम ट्रेन में से कुछ चटाका पटाका खाए। तो ये मूँगफली की चटनी दोस्तों, आप 15 या 20 या महीना तो आराम से ही रहती है चटनी। खाली इसका करने का तरीका थोड़ा मैं अलग से बताने वाली हूँ, तो ये आपको पसंद आएगा और चटनी तो बहुत टेस्टी होगी। चलो फिर हम इसकी सामग्री नोट कर लेते हैं क्या क्या लगने वाली है दोस्तों। 200 ग्राम मूंगफली ली हुई मैंने, 25 ग्राम मैंने काश्मीरी रेड चिल्ली मिर्ची ली हुई है दोस्तों, एकदम सूखी होनी चाहिए, देखो ऐसा होना चाहिए, 25 ग्राम चाहिए। यहाँ पर मैंने 10 या 15 लहसुन की कलियाँ ली हुई है, जीरा 1 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच हल्दी। यहाँ पर हमने पैन रखा है दोस्तों, आपके पास पैन नहीं होगा तो भी चलेगा, हम लोखंड की तवी होती है उस पर भी आप फ्राई कर सकते हो। पहले हम मिर्ची फ्राई कर लेंगे दोस्तों, जो हमारी डेट थी वो निकाल लेनी है। अब हम इसको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे, एकदम अच्छे से भुनना चाहिए वो, और मतलब क्रंची होगी, यानी जब हम हाथों से एकदम खांडवी से हम कूटेंगे तो एकदम दरदरा होना चाहिए। तो हम ऐसे ही 5 मिनट ऐसे ही चलाते रहेंगे। देखा ना दोस्तों, मैंने 5 मिनट पहले इसको अच्छी तरह से भून लिया, धुआं तो आप देख रहे हो, वाव ऐसे ही हमें होना चाहिए, ऐसी ढास होनी चाहिए। अभी हम गैस बंद कर देते, प्लेट में निकाल देते हैं। भैया हमारे मिर्चों के, यहाँ पे हम मूंगफली ऐड करेंगे दोस्तों। मूंगफली को भी अच्छी तरह से हमें छिलके निकलने चाहिए, ऐसे एकदम ब्राउनिश, ऐसे हम इसको सॉटे करेंगे, यानी रोस्ट करेंगे सॉरी। अच्छी तरह से चलाते रहेंगे 5 मिनट ऐसे ही। आप ये मूंगफली की चटनी खाओगे ना दोस्तों तो आप भूल जाओगे यार क्या है। आपको जो बीमार होते ना तो ये खाने से एकदम अपना एकदम मुंह में एकदम टेस्ट आती है। तो हम किधर घूमने गए, 10 दिन की या 20 दिन की हमारी टूर होती है तो ये ज़्यादा से मूंगफली की हम लोग चटनी लेके जाते, तो आपने भी लेके जाना है और मुझे बताना है कमेंट में। तो भी आप घूमने गए तो, नहीं घूमने गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घर पे भी इसे रख सकते हो, और बच्चों को टिफिन में तो खास देना है, तो बच्चों को टिफिन में बहुत अच्छी लगती है। इसे 5 मिनट हम रोज़ कर लेते हैं। अभी मूंगफली भी हमारी अच्छी तरह से रोस्ट हो गई दोस्तों, देखो कितना कलर आ रहा है, एकदम मूंगफली हमारी एकदम टूट रही है ना, आवाज़ आ रही है ना, तो इससे समझ में आ रहा है हमारी मूंगफली अंदर से एकदम क्रिस्पी हो गई है, यानी एकदम अच्छी टेस्ट हो गई है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और उसको थोड़ा ठंडा हुआ हम छिलका निकाल लेते हैं इसका अच्छी तरह से। अभी यहाँ पे मैंने सिंगदाने का आधा छिलका निकाला है और आधा छिलका नहीं निकाला है दोस्तों, क्योंकि टेस्ट आने के लिए निकाला है मैंने, आधा निकाला आधा नहीं निकाला। आपको पूरा निकालना है तो आप पूरा भी निकाल सकते हो, पर मुझे नहीं निकालना है, मुझे ऐसी अच्छी लगती है इसलिए मैंने आधा ही निकाला है। तो अभी हम नेक्स्ट बताते, हमें यहाँ पे कुटने ले लिए हुए दोस्तों, ऐसे कलबत्ता आता है, इसे यहाँ पे हम सिंगदाना डालेंगे यानी मूँगफली पे। मैंने कुटने में अभी सिंगदाना ऐड कर दिया है दोस्तों, लहसुन की कलियाँ डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक और हल्दी और थोड़ी मिर्ची डालेंगे, मिर्ची थोड़ी थोड़ी करके डालना है हमें, और इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे। अब यहाँ पे हमने सब मिर्ची कूट ली है दोस्तों, देखो आपको बता रहे हैं, इसे हमने दरदरा होना चाहिए हमारा, मिर्ची एक जैसी होनी चाहिए तो भी टेस्ट लगती है खाने में, तो बहुत बढ़िया और टेस्टी लगती है दोस्तों। आप बनाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा। ओके, अब हमें सर्विसिंग प्लेट में लेते हैं। देखा ना दोस्तों, मैंने कैसे बना दिए मूंगफली की चटनी। आप कभी खाना खा रहे हो तो आपके मुँह में टेस्ट नहीं, तो आप ये चटनी भी लेके खा सकते हो। जैसे कि आप अचार तो खाते हो टेस्ट आने के लिए थोड़ा थोड़ा, तो आप ये चटनी भी ले सकते हो दाल चावल के साथ, और कहाँ भी आपको अच्छा लगा मुंह में एकदम टेस्ट नहीं होती तो हम ये चटनी खा सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत बढ़िया है, आपको एक बार और बता दे रहे हैं हम, ये कितने एकदम खिली खिली चटनी हो रही है, हमने कुटनी में कुटा है दोस्तों, इसीलिए बहुत अच्छी लग रही है ये, और इसी टेस्ट अच्छी आती है दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, बेल आइकन पर भी क्लिक करना है। धन्यवाद दोस्तों।